नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नीलम कोठारी और आज हमारे साथ है रवि दुबे। रवि को देख के लगता तो नहीं कि उन्होंने इंडस्ट्री में इतने साल कंप्लीट कर दिए लगता है आपको देख के तो लगता है कल ही आए, लेकिन रवि ये लग रहा है कि इतने सीनियर हो गए हैं आप। 15 साल मतलब बहुत होते। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये किसे ये सुनना अच्छा नहीं लगता कि वो मतलब वो अभी भी 36 साल का हो गया हूँ। अगर आपको मैं 36 का नहीं लग रहा, आई एम गोना टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। सो यस, 15 इयर्स आर ओवर एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द एंटायर जर्नी। यस, इतने सालों में अगर आप पीछे देखते हैं तो क्या पाते हैं, कौन सी किस तरह की जर्नी देखते हैं अपनी, और कुछ ऐसे मोमेंट जो आपको याद आते हो? जर्नी देखिए बहुत ही एक आई थिंक इट वाज अ जर्नी ऑफ लर्निंग। बहुत बहुत हर मोड़ ने, अच्छे बुरे हर वक्त ने काफी कुछ सिखाया। और मैं ये नहीं कहूंगा, बुरा वक्त मैं कहूंगा नहीं, वो कहने के लिए कहा जाता है, मतलब इट्स जस्ट अ वे इट इज एड्रेस्ड। बट आई थिंक जो ऐसा समय होता है जिसमें सबसे ज्यादा मुश्किलात होती हैं, वो हमेशा आपको कुछ नया ही सिखा करके जाता है जो अच्छा समय आपको नहीं सिखाता है। सो आई थिंक इन गुड टाइम्स एंड बैड, आई थिंक दिस इंडस्ट्री हैज रियली एम्ब्रेस्ड मी विद ऑल इट्स हार्ट एंड वार्मथ एंड कंपैशन, और उसके लिए मैं हमेशा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। रवि, अगर आपके सफर की बात करें तो आपने सफर स्टार्ट किया, उसके बाद अब आप एंकरिंग करते हैं, मूवीज करते हैं, इन सब में अगर आपकी पसंदीदा चीज पूछी जाए तो आपको क्या करना सबसे ज्यादा पसंद आया इतने सालों में? आपने किस चीज को सबसे ज्यादा यू नो एंजॉय किया है दिल से? तो इंडस्ट्री ने सब कुछ करने का मौका दिया है एट रेगुलर इंटरवल्स। कभी डांस करने का भी मौका दिया है, एक दफा गाना गाने का भी मौका दिया है, कुछ लिखने का भी मौका दिया है। आज यू नो इट्स बाय द वर्च्यू ऑफ just being in the industry and some people having some faith in us, kuch produce karne ka bhi mauka diya hai. But I think the one thing that I enjoy the most is being in front of the camera and acting. Acting wo ek aisi cheez hai jo mujhe sabse zyada achhi lagti hai as compared to everything else. Aapki awaaz mujhe bahut kam aa rahi hai Ravi. Aapko meri awaaz? Absolutely. अभी आपका मैं एक इंटरव्यू देख रही थी जहाँ पे आपने बात की कि यू नो भले ही इतने साल हो गए हैं इंडस्ट्री में, जब आपने आप काम करते बहुत मेहनत की होगी, कब ऐसा दौर था जब आपको लगता है कि मैंने वो टाइम है जो सबसे ज्यादा काम किया? जब आप अभी घर पे बैठे हुए, आपने तो खैर फिर भी गाने किए आपने और शगु ने, लेकिन फिर भी वो टाइम जब आप दिन रात काम करते हैं मुंबई से नायगांव, नायगांव से घर, सबसे ज्यादा काम किस वक्त किया? ये आई थिंक व्हेन देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज डूइंग जमाई राजा, एक तो फिक्शन शोज जो होते हैं, मतलब जो डेली फिक्शन होता है, वो ऐसा डेडलाइन सेंट्रिक मीडियम होता है कि आपको जो है वो कॉन्स्टेंटली ऑन योर टोज रखता है। तो उस वक्त में आई थिंक मैंने मैक्सिमम उस वक्त सीखा। तो उस ये एक फेज उसमें बीच में ऐसा था वेयर आई वाज डूइंग वन रियलिटी शो कॉल्ड इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज, जमाई राजा वाज ऑन एंड आई वाज आल्सो आउटडोर फॉर अ शूट ऑफ अ फिल्म। तो ये जो तीनों चीजें थी वो साइमल्टेनियसली चल रही थी। एंड मेरे को याद है कि मैं कई दफा दो दो दिन मैं सोया नहीं करता था, बीच बीच में 15-15 मिनट के लिए सो जाता था, 20-20 मिनट के लिए सो जाता था। लेकिन जमाई राजा खत्म होने के बाद मैंने एक चीज रियलाइज करी कि मैं सिर्फ बिजी होना मेरा उद्देश्य नहीं है, मतलब यू नो एमलेसली बीइंग जस्ट काइंड ऑफ हैविंग अ टाइम टेबल व्हिच इज फुल, दैट इज नॉट माय प्रायोरिटी, दैट इज नॉट व्हाट एक्साइट्स मी। सो व्हाट एक्साइट्स मी इज काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग माय सेल्फ कंप्लीटली इन अ जॉब and also knowing when the job is going to start, when it is going to end. तो उसका जो beginning, middle और end है मुझे पता होना चाहिए, शुरुआत में when I'm signing up for it. तो उसके बाद मैंने infinite commitments के साथ जो है जुड़ना बंद कर दिया, because I feel that मैं you know as Bruce Lee once said that I'll always fear somebody who's practiced one kick 1,000 times than somebody who's practiced 1,000 kicks one time each. So I prefer giving my all to shorter commitments. And you know, going with all that I've got. कितने सालों बाद अपना पहला ऑडिशन आपको याद है रवि? कहाँ हुआ था, कैसा हुआ था, और कितना कैसा हुआ था, बुरा हुआ था, कैसा हुआ था कि बहुत बुरा हुआ था? जो मेरा पहला ऑडिशन था वो एक एडवर्टाइजमेंट के लिए था, और ये 2005 की बात है मेरे ख्याल, अप्रैल, मतलब it was the end of April, beginning of May.
मुझे याद है अच्छी तरह, 2005 यानी कि 15 साल से ऊपर बीत चुके हैं। और जो मेरा पहला ऑडिशन था उस कमर्शियल के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया था, फर्स्ट ऑडिशन, मतलब माय कॉम कार्ड रीच देम, दे कॉल मी एंड आई वाज एक्साइटेड कि मैं वैसे ही कैमरे के सामने हूँ। वो एडवर्ट को तो पता नहीं था कि क्या होता है, शूटिंग वूटिंग क्या होती है, मुझे बस इतना पता था कि कैमरे के सामने जा रहा हूँ एंड देयर इज अ लुक टेस्ट। सो वो लुक टेस्ट हुआ एंड आई केम आउट एंड विद इन हाफ एन आवर 45 मिनट्स उनका मुझे फोन आ गया और कहा कि वी आर शूटिंग दिस और फलाना फलाना दिन को हम लोग शूट कर रहे हैं ये। और किन्हीं किसी कारण की वजह से वो शूट मैं उस प्रोडक्शन हाउस के साथ उस एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं कर पाया, मगर ब्लेसिंग इन डिसगाइज ये थी कि उसके बाद जो मैंने उसी प्रोडक्शन हाउस के साथ एक एडवर्टाइजमेंट किया वो एक मोटरसाइकिल ब्रांड के लिए था और उसके डायरेक्टर जो है थे शुजी सरकार जी। तो माय फर्स्ट अपॉर्चुनिटी इटसेल्फ ऑफ वर्किंग विद समबडी इन द इंडस्ट्री वाज विद समबडी विद अ काइंड ऑफ अ रेंज एंड क्रिएटिव रेंज ऑफ शुजीत दा। सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस डील आल्सो। करियर की बात करें तो रवि, जमाई राजा के बाद आपने जहां आपका यू नो इतने अवार्ड आपको मिले, इतनी फैन फॉलोइंग बनी, उसके बाद लेकिन आपने टीवी में जो एक डेली शो होता है उससे ब्रेक लिया, जो कि एक रिस्क भी हो सकता था, इस जी क्या कोई घबराहट थी मन में कि यू नो मैं इतने साल से लोग मुझे टीवी में देख रहे हैं, डेली शो में देख रहे हैं, अब मैं एक फॉरवर्ड स्टेप ले रहा हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ हुई या फिर रिस्क लेने को आप तैयार थे? नहीं जी, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेटजीज के साथ काम करता ही नहीं, आई ऑलवेज फॉलोड माय गट एंड व्हेन इनफैक्ट जब मैंने सास बिना ससुराल किया था उसके बाद मेरा डिसीजन था कि मैं कोई भी ऐसा शो नहीं करूंगा जिसमें मैं सिर्फ एक एक्टर की तरह पीछे भीड़ में खड़ा हुआ। सो आई वांटेड टू बी द प्रोटैगनिस्ट, दैट वाज माय इंटेंशन। सो वो अपने आप में एक रिस्क था। उस बीच में भी मैंने कई प्रोजेक्ट्स जो है आई रिस्पेक्टफुली सेड दैट आई डोंट थिंक आई विल बी आई एम अ गुड पर्सन फॉर द प्रोजेक्ट बिकॉज आई विल बी कांस्टेंटली at loggerheads with myself that whether I want to be here, I do not want to be here. So, Saas Bina Sasural jab hua, main bahut hi khush tha us show ke baad, lekin I had made a call, I'd taken a call uske baad that if I do a show, I don't just have to be a lead, I want to be a protagonist in the show. So, maine wo, us beech mein bhi maine reality shows kiye, Nach Paliye tha, India's Dancing Superstar tha, but I did not take up any fiction show at that time also. Na us waqt koi dar tha, na Jamai Raja ke baad koi, aisa koi dar tha mere man mein ke, main us waqt bhi main bahut, Jamai Raja ne mujhe itna जो कहते हैं कि सेशिएट किया मुझे, यू नो इट इट गेव मी अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन लाइफ, क्रिएटिव स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मेनी अदर थिंग्स आल्सो एंड ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ लव फ्रॉम द ऑडियंस। वो खत्म होने के बाद भी मेरे मन में ऐसा कोई डर या ऐसा कोई संकोच या वो नहीं था, मैंने सोच रखा था कि इसके बाद मैं इनफाइनाइट कमिटमेंट्स में नहीं जुड़ूंगा। बात फिक्शन या नॉन फिक्शन शोज की नहीं थी, बस मुझे अगर मुझे ये नहीं पता कि ये शो जो है फलाना अरसे में खत्म हो जाएगा या पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट जेड तक उसकी जर्नी कितनी लंबी रहने वाली है और इनडेफिनेटली वो चलता ही रहेगा, तो मैं अपना मोटिवेशन खो दूंगा, इस बात का डर मैं नहीं महसूस करना चाहता था। और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि आई ओनली वांट टू डू शोज इन विच आई नो द टाइम स्पैन, आई नो दैट इट इज गोइंग टू लास्ट फॉर 3 मंथ्स और 4 मंथ्स और 5 मंथ्स, नॉट इनडेफिनेट।